राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में राजस्थान के 200 विधानसभा के चुनावी समीकरण अब बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी गुड्डा मालानी विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे पोखरण विधानसभा सीट के बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछले दो विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी यहां करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों पार्टियों ने सीट पर कोई नया बदलाव नहीं किया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने पुराने चेहरे पर ही दाव खेला है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महंत प्रताप पुरी को दोबारा मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र से अपने मौजूदा विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद को एक बार फिर से टिकट दिया है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,21,343 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ राजपूत और SC/ST वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बिगाड़ भी सकती है तो बना भी सकती है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें यानी 2018 की, तो उस समय सीट पर लगभग 1,87,332 मतदाता थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शाले मोहम्मद और बीजेपी के महंत प्रताप पुरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इस चुनाव में शाले मोहम्मद को 82,964 वोट मिले थे और बीजेपी के महंत प्रताप पुरी के खाते में 82,094 वोट आए थे। इस दौरान उन्हें सिर्फ 870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी राजस्थान की पोखरण विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। पोखरण विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 चुनावों में 2 बार कांग्रेस को जीत मिली है। पाकिस्तान से सटे होने और अपने परमाणु परीक्षण के लिए चर्चित पोखरण सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है। महंत प्रताप पुरी और शाले मोहम्मद दोनों का अपने अपने समुदाय में काफी प्रभाव है। ऐसे में पोखरण विधानसभा में बाकी मुद्दों के साथ धर्म भी एक बड़ा मुद्दा है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।